कोच ने मुझे दुर्व्यवहार किया और नग्न तस्वीर ले ली, पूर्व तैराक ने कहा। एक पूर्व विश्व चैंपियन तैराक ने कहा कि वाशिंगटन राज्य में अदालत के इस दस्तावेज में दायर किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 16 साल की उम्र के शुरू होने के कई सालों तक उनके पूर्व कोच ने यौन शोषण किया था। एरियाना कुकस ने अब 28 को होमलैंड सिक्योरिटी जांचकर्ताओं को बताया कि शन हचिसन ने 2005 में शुरू होने के साथ दुर्व्यवहार किया और जब वह एक नाबालिग था तो हजारों यौन अश्लील तस्वीर ले ली। एक खोज वारंट के लिए एक हलफनामे का कहना है। कुकस ने अपना नाम उनके वकीलों के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया है और शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक 4000 शब्द का विवरण पोस्ट किया है। उसने अपने वकीलों द्वारा जारी एक बयान में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी कहानी साझा करूंगा, क्योंकि कई तरह से बस जीवित रहने पर्याप्त था। मैं एक भयानक राक्षस छोड़ने और एक जीवन का निर्माण करने में सक्षम था जो मैंने खुद के लिए कभी नहीं सोचा था, लेकिन समय में मुझे लगा है कि मेरे जैसे कहानियां लिखे जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुकरो ने कहा कि वह 13 साल की थी जब हचिसन ने वाशिंगटन के सिएटल में किंग एक्वाटिक सेंटर में उनके कोच बनने का मौका दिया था। कुकर्स का दावा है कि हचिसन ने 2002 में बाल संवारने की प्रक्रिया शुरू की थी बाल शिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक अभ्यास जिसका संबंध यौन संबंध रखने के लक्ष्य के साथ पीड़ित के विश्वास को प्राप्त करने के लिए किया गया था, उनके वकीलों के बयान में कहा गया है। शॉन हचिसन ने टीम यूएसए के लिए ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में प्रशिक्षित किया। शॉन हचिसन ने टीम यूएसए के लिए ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में प्रशिक्षित किया। हचिसन 46 ने पिछले महीने एक बयान में कहा और शुक्रवार को सीएनएन को नाराज किया कि कुकर्स के साथ किए गए हर चीज को सहमति थी। उन्होंने कहा कि 2012 ओलंपिक के एक वर्ष से अधिक समय तक चले जाने के बाद उनका प्रतिबद्ध रिश्ता था। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से उसके साथ कोई यौन या रोमांटिक संबंध होने से इनकार करता हूँ, इसे पहले कि वो कानूनी तौर पर खुद को खुद ही फैसले लेने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने कहा, जो अटॉर्नी ब्रेड मैरिज द्वारा प्रदान किया गया था उस समय से पहले मैंने दूल्हे के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर गहरा अफसोस है कि वह इन सभी वर्षों के बाद इन जंगली आरोपों को बनाएगी। 2009 में 200 मीटर की व्यक्तिगत मेडले में कुकर एक विश्व चैंपियन और विश्व रिकॉर्ड धारक थे और 2010 में शॉर्ट कोर्स 100 मीटर व्यक्तिगत मेडले में विश्व खिताब जीता था। वह लंदन में 2012 ओलंपिक टीम में तैर रही थी। हचिसन 209 में अमेरिकी महिला टीम के मुख्य कोच थे और बीजिंग खेलों में 2008 में ओलंपिक कोच में से एक थे। एरियाना कुकस ने 2 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। एरियाना कुकस ने 2 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जब हचिसन कैलिफोर्निया में एक साल के प्रशिक्षण केंद्र में कोच गए, कुकर वहां कुलीन तैराकों के रोस्टर में शामिल हुए। हचिसन ने 2010 में टीम संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अमेरिका के राजा एक्वाटिक सेंटर के स्वामित्व के जरिए स्विमिंग का सदस्य है। तैरने वाले क्लब ने सीएनएन के संदेश को टिप्पणी का अनुरोध वापस नहीं किया। डीएचएस ने हचिसन के अपार्टमेंट में इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इकट्ठा किया था जिस पर वे बाल अश्लील साहित्य के फोटो सबूत देखेंगे। कुकर के वकील ने कहा कि चिकित्सा के माध्यम से वह हाल ही में पता चला है कि उसे दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यूएसए स्विमिंग 8 साल पहले जानता था कि हचिसन एक अनुचित कोच एथलीट रिश्ते में शामिल था। अमेरिका स्विमिंग ने कहा कि उसने अफवाह से संबंधित रिश्तों की एक रिपोर्ट पर गौर करने के लिए 2010
में एक निजी जांचकर्ता को कम पर रखा था, यह कहा कुकर्स। उसकी बहन और हचेसन से इनकार कर दिया कोई रिश्ता था। अमेरिकी तैराकी विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक टीमों का संचालन करने वाली शासी निकाय ने पिछले महीने यह सूचित किया था कि अमेरिकी ओलंपिक समिति के लिए सुरक्षित स्पोर्ट ने हचेसन पर एक केस खोल दिया है। यूएसए स्विमिंग ने हचेसन और कुकर पर 2010 की केस फाइल को केंद्र भेजा। कुकर का समर्थन है, यूएसए स्विमिंग ने कहा। पिछले कई सालों में एरियाना ने अपने डिजिटल प्रस्तुतियों में कैमरे के प्रतिभा के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका तैराकी के साथ काम किया है और वास्तव में परिवार का सदस्य बन गया है। संगठन ने कहा, हम उनकी चुप्पी को तोड़ने और उनके भयावह अनुभवों का सामना करने के लिए उनके और अन्य सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। कुक का आरोप है कि अनुयायियों के संपर्क में होटल के कमरों की सफलता शुरू हो गई जब उनकी टीम तैरने के लिए गई थी। इसमें चुंबन प्रेम से जुड़े और कोच को उसकी योनि में उंगली डालकर शामिल किया गया, उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक वह यह भी कहती हैं कि हचेसन उस समय की तस्वीरें लेने लगे जब वह शव में थी और राज्य के पार्क में चले गए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन समय पर वापस सोचना है। मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कोई भी मेरी मदद क्यों नहीं करता, क्यों उसने मुझे इस राक्षस से बचाने के लिए कदम नहीं उठाया, यह अभी भी समझना कठिन है। लेकिन शॉन ने सौंदर्य की कला को सिद्ध किया है। मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचत की जरूरत है। वह हचेसन के साथ रहती थी क्योंकि उसने उसे विश्वास दिलाया था कि वह उसके लिए सबसे तेज समय तैरती है, वे कहते हैं। उसने शुक्रवार को लिखा कि वह और हचेसन 18 साल की हो जाने से पहले संभोग नहीं करते थे। वे एक राजा के राज्य से मिलते जुलते थे, उन्होंने लिखा। सीन ने मुझे अपने कमरे में मुझे अंततः मुझे उपहार दे दिया, आपको विवरण प्रदान करेंगे, लेकिन उस रात की स्मृति हमेशा मुझे परेशान कर देगी। हचेसन के अटॉर्नी शुक्रवार की रात को कर के वेबसाइट के बयान के बारे में टिप्पणी का अनुरोध करते हैं और उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुकर ने डेस मोवेंस वॉशिंगटन में पुलिस को बुलाया, जहां उसने एक महीने में एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हचेसन से प्रशिक्षण दिया था। होमलैंड सुरक्षा विभाग में शामिल हो गए क्योंकि अपराध अन्य राज्यों और देशों में किए गए हैं। डीएचएस ने कहा कि जांच प्रारंभिक अवस्था में है। सभी ऑनलाइन मामलों में बाल यौन शोषण से जुड़े सभी मामलों में प्राथमिकता किसी भी संभव मामूली पीड़ितों की पहचान कर रही है, एजेंसी ने कहा।